नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपने इस धरती माता पर भूतों प्रेतों इतर योनि की साधनाओं की कोई कमी नहीं है, ये बहुत की जाती है। भूतों प्रेतों पिशाचों की साधना बहुत की जाती है और बहुत लोगों की साधना सफल भी होती है। बहुतों की नहीं भी होती है। साधना का एक कोई नियम नहीं होता कि सफल होगी ही होगी। कोई भी साधना करने आप बैठे हो, आप पूरा जोर लगा रहे हो, तन मन से साधना की है, लेकिन सफल होना ज़रूरी नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्रों के संयोग से आप साधना करने बैठे और फट से आपकी साधना सफल हो गई, तो कुछ शिकायत का काम नहीं होता। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोले महाराज गारंटी क्या है सफल होने की? गारंटी साधना की कोई गारंटी? मेरे को पंखा नहीं बेच रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि भैया ये गारंटी है, एक साल चलेगा, वारंटी है, वापस ठीक कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। साधना हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। दो बार चार बार कोशिश करके देख लीजिए, हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं हुई। लेकिन आज मैं एक ऐसे साधना बता रहा हूँ जो भूतनी की साधना है और इसे स्वप्न भूतनी कहते हैं। स्वप्न प्रेतनी की साधना है। इस साधना में क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। जो लोग भूतनी से डरते हैं कि भैया सामने खड़ी हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर नानी अम्मा याद आ जाएगी, तो वो हमको तो सामने खड़ी नहीं चाहिए, हमको कोई ऐसी शक्ति चाहिए जिससे हमारा काम भी हो जाए और भूतनी को देखने का जोखिम नहीं उठाना पड़े। तो उन लोगों के लिए आज मैं स्वप्न प्रेतनी की साधना लेके आया हूँ। ये जो साधना है स्वप्न प्रेतनी की साधना, ये सपने में आपको प्रश्न के सिर्फ उत्तर देगी, दिखाई नहीं देगी। दिखाई देना है अगर किसी को देखना हो तो फिर इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, वो आप हमसे दीक्षित होकर के पूछ सकते हैं। लेकिन अगर देखना नहीं हो, सिर्फ स्वप्न में प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो ये साधना बड़ी जानदार साधना। आपके सवाल आपके और जवाब प्रेतनी के। जो सवाल पूछोगे लीगल सवाल होना चाहिए, उस सवाल का जवाब आपको रात में मिल जाएगा। तुरंत उठो, तुरंत लिखो, नहीं तो भूल जाने की संभावना रहती है सुबह तक। पेन पन्ना कागज डायरी अपने पास रखो, फटाफट उसे लिख लिया करो, नोट कर लिया करो। तो आपको आपका जो भी सवाल रहेगा उस सवाल के आधार पर कोई काम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपके पास पूरा मार्गदर्शन रहेगा। ये साधना कैसे होती है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये साधना किसी भी अमावस्या के दिन से होती है। अमावस्या बुधवार हो तो सबसे बढ़िया रहता है। अमावस्या बुधवार के दिन से साधना होती है। इस साधना में साधक क्या करेगा, अमावस्या बुधवार के दिन अपने घर पे कर सकते हो, एकांत जंगल में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। साधक को रात को 10 बजे स्नान करके एकदम तैयार होके, एकदम स्नान करके, शरीर पे इत्र आदि लगा करके, लाल वस्त्र, लाल एक धोती पहन करके, खाली लाल, बस और कुछ नहीं, एक लाल धोती, नीचे अंडरवेयर भी नहीं पहनना है, लाल धोती पहन ली बहुत है, उसको पहन करके ये साधना आपको करनी। इस साधना में एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ। केले का जो छिलका आता है ना, केले का छिलका, इस केले के छिलके को सुखा करके उसका पाउडर बनाना पड़ता है। अच्छी तरह से पाउडर बना लीजिए, उसमें कुमकुम मिला करके एक शाही बनानी पड़ती है, वो थोड़ी काम आएगी अभी बताता हूँ। तो बुधवार के दिन से साधना आपकी हो गई। साधना में एकांत कोई छत हो या एकांत कमरा हो, वहाँ साधना कर सकते हो। थोड़ी देर की साधना है, आपको 11 माला का तो जाप करना है टोटल, तो थोड़ी देर में आपकी साधना हो जाएगी। तो आप छत पे बैठ के कर सकते हो या एकांत स्थान में कहीं भी बैठ के कर सकते हो। इसमें कोई खतरा तो है नहीं, ना कोई सुरक्षा घेरे की इसमें कोई आवश्यकता है, कुछ भी आवश्यकता नहीं। आराम से साधनों का आप संपन्न कर सकते हो और जो भी कोई आपके सवाल हैं उनके जवाब आप प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आपको एक लकड़ी का बाजोट अपने सामने बिछा लेना है, बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा लेना, रुद्राक्ष की एक माला होनी चाहिए। वो माला सिर्फ इस भूतनी के साधना में काम आएगी। एक तो माला काम आएगी, एक दीपक काम आएगा, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो दीपक और माला आप किसी भी अन्य साधना में काम में नहीं ले सकते, इस बात का खास ख्याल रखा। या अन्य साधनाएं छोड़ो, आप घर में ऐसे उस दीपक को नहीं जला सकते। उस दीपक को जब भी जलाना होगा सिर्फ इसी साधना के, स्वप्न प्रयत्न की साधना के लिए ही आप जला सकते।
और दीपक के साथ मैंने क्या बताया, दीपक और माला, और उस माला का भी आप कोई भी दूसरा मंत्र का जाप नहीं कर सकते, सिर्फ इसी मंत्र का जाप आप कर सकते हो। दोनों में से दोनों चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना। इसमें वटवृक्ष की लकड़ी जो होती है ना, उसके कलम बनती है, डंडी छोल छाल के एकदम पेंसिल जैसी, और एक यंत्र बनता है सफेद कागज पर, स्क्रीन पर यंत्र दिखा दूंगा मैं, आ रहा है वो यंत्र आपको सफेद कागज पर केले के छिलके के पाउडर में कुमकुम मिला करके वटवृक्ष की डंडी से दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके वो यंत्र आपको वहीं बनाना है। बना लिया यंत्र, यंत्र बनाने के बाद में सामने कोई पात्र हो, कोई बर्तन हो, उस बर्तन में उस यंत्र को रख देना। अब आपको सरसों के तेल का एक दीपक चाहिए, जो साधना काल में आपके 11 माला जब तक पूरी नहीं हो तब तक वो जलते रहना चाहिए। दीपक जला लिया, दीपक जला करके सबसे पहला तो काम करना पड़ता है कि अपने अपना जो गुरु होता है ना, गुरु पूजन करना पड़ता है। गुरु पूजन करके गुरु मंत्र का आपके पास जो भी गुरु मंत्र हो उस गुरु मंत्र का जाप करना पड़ता है। गुरु मंत्र का जाप करके फिर बाकी जो क्रिया मैंने बताई वो सब क्रिया आपको करनी है। अब दीपक जला लिया, दीपक जला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके आप मंत्र का जाप कीजिए, 11 माला आप फिनिश कीजिए, आपके 11 माला पूर्ण हो जाती है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि बीच में कोई शक्ति आएगी आपको डिस्टर्ब करेगी, भूत प्रेत कोई खतरा रहता है, कोई सुरक्षा घेरे की भी आवश्यकता नहीं है। लगाओ तो कोई भैरव जी का सुरक्षा घेरा हो, काली जी का कोई लगा लेना, नहीं लगाओ तो नहीं लगाओ, कोई जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल साधन है, कोई आवश्यकता इसमें है नहीं। लकड़ी जिससे आप यंत्र बनाओगे, वटवृक्ष की डंडी, सूखी लकड़ी वो एकदम छोल के उसको पेंसिल बना करके यंत्र बनाओगे ना, उस डंडी को सवेरे जल प्रवाहित कर देना, और जिस पात्र में यंत्र रखा है उस पात्र को धो के आप काम में ले सकते हो। खाली दूसरा कोई भी काम हो उसको ले सकते हो, धो के साफ करके ले सकते हो। अब आगे आपकी साधना होगी, आगे काम कैसे करोगे, प्रयोग कैसे करोगे, तो प्रयोग बताता हूं। दोस्तों आपको सवालों का जवाब चाहिए, कोई गड़े धन का पूछना हो तो, कि सट्टे का पूछना हो तो, कि कुछ कोई भी चीज का पूछना हो, आपको कोई भी सवाल पूछने हो, रात्रि काल में सोते वक्त आपको एक क्रिया करनी है। ये उसी दिन करनी है जिस दिन आप साधना कर रहे हो, उसी दिन सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। बाकी जब भी आपको जवाब चाहिए, एक क्रिया आपको इसी प्रकार से करनी पड़ेगी, आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे। यंत्र जो बना है, जैसे सारी साधना होगी आपकी, पूरी साधना होगी, साधना होगी तो दीपक जो जल रहा है उस दीपक में यंत्र जो आपके पास कागज का पड़ा है, उस कागज वाले यंत्र को उस दीपक में जला करके दूसरे बर्तन में उसकी जो राख है ना, उस राख को समेट लेना, उस राख को इकट्ठा कर लेना, थोड़ी सी होगी, उस राख को इकट्ठा कर लेना, उस राख से आपको तिलक लगाना है। रात को तिलक लगा करके सोना, तिलक लगा करके 3 बार मंत्र का उच्चारण करके, और 3 बार जो भी आपका सवाल है उस सवाल को मन ही मन बोल करके फिर आप सो जाइए। पेन कलम अपने साथ में, किताब अपने, पुस्तक अपने साथ में रखिए। रात्रि काल में एक समय ऐसा आएगा जिस समय भूतनी आपके सपने में आएगी, आकर के आपको सारी बात बता देगी, तुरंत आप लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये जो तिलक है ना जी, ये तिलक सुबह तक मिटना नहीं चाहिए, ध्यान रखें। सुबह आप इस अपना मुंह धो करके ही इसको मिटाओगे, सूर्य की किरणें निकल गई उसके बाद में इसको तिलक को हटाओगे। जब तक आपके तिलक, जब तक रात रहेगी तब तक तिलक आपके ललाट पर रहना चाहिए। ये एक ही दिन की बात को सवाल पूछेंगे कि क्या रोज लगाना, नहीं नहीं, जिस दिन सवाल पूछना उसी दिन लगाना है। अब क्या है, जब भी आपको ऐसे सवाल पूछना हो तो अब 11 माला का जाप करके आप सवाल को पूछ सकते हो। अब यदि प्रत्यक्षीकरण की साधना हो तो ये इसी साधना को आगे अलग ढंग से करने पर प्रत्यक्षीकरण भी होते हैं, लेकिन आज हम प्रत्यक्षीकरण नहीं बता रहे, आज खाली बता रहे हैं कि जो लोग भूतनियों से डरते हैं उनको सिर्फ ऐसी साधना बता रहा हूँ जो सात्विक भी है, किसी प्रकार का खतरा भी नहीं है, और आपको कोई भूतनी से प्रत्यक्ष दर्शन की भी आवश्यकता नहीं, इस प्रकार से आप अपना काम निकाल सकते हो। दोस्तों इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ये एक सिद्ध साधना है, मेरे एक शिष्य हैं हरियाणा के, उन्होंने, उनके जानकारी में एक व्यक्ति है, उन्होंने साधना को किया है, तो ये प्रैक्टिकल साधना है इसलिए बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र आप गुरु से दीक्षित होकर के ही लें तभी काम करेगा। मंत्र है ब्रह्म 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 भूतेश्वरी ब्रह्म 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 फट, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को
प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रेरित कर सकते हो, आपके प्रश्नों के उत्तर देगी और आपका जो भी कोई कार्य रहेगा उन उत्तरों के माध्यम से वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।